नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया है, जिसके चलते नागपुर में विविध शासकीय कार्यालयों में विविध गणमान्य नागरिकों द्वारा पदाधिकारियों की उपस्थिति में तिरंगा ध्वज फहराया गया। नागपुर में स्वतंत्रता दिवस जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, जिसके चलते नागपुर के अलग अलग शासकीय कार्यालय में तिरंगा ध्वज फहराया गया। इसे देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी विपिन इटनकर इनके हस्ते तिरंगा फहराया गया। इसके अलावा महानगर पालिका में अतिरिक्त मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी इनके हस्ते तिरंगा फहराया गया। इसके अलावा नागपुर की रक्षा करने वाले पुलिस भवन में तिरंगा आज सुबह फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस पूरे देश के नागरिक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हालांकि नागपुर की एक अंधी लड़की ने स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही अलग तरीके से मनाया। 13 साल की इस बच्ची का नाम ईश्वरी पांडे है। देश के प्रति अपना प्यार जाहिर करने के लिए ईश्वरी ने अंबाझरी झील में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की और झील के बीच में झंडा फहराया। ईश्वरी पिछले 4 साल से लगातार ये प्रस्तुति दे रही है। ज्ञात हो कि ईश्वरी जन्मता से ही दृष्टिहीन है। महानगर पालिका ही मला वाटतं एकमेव अशी संस्था आहे की जी अगदी जन्मापासून म्हणजे जन्म प्रमाणपत्र देण्यापासून तर मृत्यूपर्यंत नागरिकांना विविध सुविधा देत असते। अगदी आपल्या जे इंजिनियर्स आहेत, एखादं ते रोड बनवत आहेत किंवा पाणी पुरवठ्याचं वगैरे काम करत आहेत, किंवा डॉक्टर्स आहेत, मेडिकल स्टाफ आहे जे आरोग्याच्या सुविधा देत आहेत, टीचर्स आहेत जे शिकवत आहेत, स्वच्छता कर्मचारी आहेत जे सफाईचं काम करत आहेत, या सर्वांनी आपण अतिशय एक महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतो आहोत आणि राष्ट्रीय उभारणीमध्ये आपण हातभार लावतो आहोत याचा सार्थ अभिमान बाळगला पाहिजे। या अभिमानाबरोबरच आपल्याला सगळ्यांना ही एक महत्त्वाची जबाबदारी देखील आहे की आपल्याला जे दिलेलं काम आहे, जे नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी किंवा देशाची आपल्या प्रगतीसाठी आपण जो हातभार लावणार आहोत, ही एक फार मोठी जबाबदारी देखील आहे आणि ती जबाबदारी आपण सर्वांनी व्यवस्थित पार पाडावी असा देखील प्रण मला वाटतं आजच्या मंगलदिनी करणं हे अत्यावश्यक आहे। रिपोर्ट, केसरी उजाला न्यूज, नागपूर।